चढ़ती कला, चढ़ती कला तुहाड़ी हमेशा ही रहे। चढ़ती कला से दोस्तों स्वागत है एक बार फिर तुहाड़े अपने चैनल पीबीएस क्लासेस उते। और अज दी इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे ऑब्जेक्शंस रिलेटेड, के जो ऑब्जेक्शंस, बहुत बच्चों का सवाल है कि जिहड़े ऑब्जेक्शन लगाउंदे आ बच्चे, सिर्फ उन्हां नूं ही नंबर मिलते ऑब्जेक्शन दे जां बाकी सारे नूं भी मिलते आ? ठीक है, सो करते हैं गल, बट इस तो पहले जिहड़े भी नवे स्टूडेंट साडे नाल जुड़े आ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो, और साडी ऐप पीबीएस क्लासेस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के विच है, उन्होंने डाउनलोड कर लो। ये दोनों ही तुहाडी जो प्रैपरेशन है तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, राइट। सो गल करते हैं, जो सवाल है कि सिर्फ उन्होंने बच्चों को ही क्या मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ठीक है। सो देखो पहला आप गल कर लें, राइट, के प्रोसेस जो की हैगा साडा, कि तुम पहले 48 घंटे जोड़े है वो मिलते हैं। देखो इतने साफ साफ लिखे 48 घंटे के मिलते हैं ऑब्जेक्शन रेज करने, एक ऑब्जेक्शन के 50 रुपए चार्ज आ, ठीक है। और जोड़ा भी ऑब्जेक्शन सही पाया जाता वा वो फिर जो तो फीस आ है ना वो भी तो रिफंड होंगी है, ठीक है। सो बेसिकली इतने इंटेंशन की आ कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो ये चाहती है कि उन्होंने कोई सही ऑब्जेक्शन दस दे, ठीक है, तो जिद हिसाब न अपनी आंसर की रिवाइज कर लैन, ठीक है। सो आंसर की रिवाइज होगी तो वह बेनीफिट हर एक स्टूडेंट को होना वा, ठीक है। मान लो किसी एक बच्चे ने किसी एक सवाल उत्ते ऑब्जेक्शन लगाई है, तो वह ऑब्जेक्शन मान ली गई है भी सही ऑब्जेक्शन लाई है, आंसर जरा है वा वो बी नहीं आंसर सी है, ठीक है। सो जिन्हें जिन्हें बच्चों ने सी ऑप्शन करैक्ट किया होया, ठीक है, उस क्वेश्चन के उन्होंने सारे ही वह बेनीफिट मिलना, राइट है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शन इस तरीके ना होता वा, देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इन्हें एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। सो ये जी है मार्क्स ऑब्जेक्शन के सारे ही बच्चों को मिलते हैं, ठीक है, चाहे सेंटर के एग्जाम हो, SSC एग्जाम्स हो, रेलवे के हो, ठीक है, चाहे PSSB के, जो अपना पंजाब का PSSB बोर्ड है, ठीक है, वो भी इसे तरीके ना वा। पिछली बार हम पटवारी के पेपर हुए थे, भी बहुत सारिया ऑब्जेक्शन लगिया से, तो बकायदा PSSB ने दसिया भी इन्हों इन्हों क्वेश्चन उत्ते सातों ऑब्जेक्शन आ चुकिया ने, इन्हों उत्ते होर ना लगाओ, ठीक है, राइट। सो मतलब की है कि एक भी बच्चा अगर उन्होंने दस दिता और ऑब्जेक्शन सही पाई जाती है तो वह बेनीफिट सारियां मिलता वा, ठीक है। सो इतने कई कई ये सवाल करते हैं कि कितने लिखा वा कि सारे बेनीफिट मिलेगा। देखो ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और लिखिया तो तुम मैं दसो ना कि कितने लिखा वा, जे कह रहे हैं कि भी नहीं जिन्हें ऑब्जेक्शन लाई उन्होंने ही नंबर मिलना वा, क्योंकि ये अब नॉर्मल है, ठीक है। जे एक यह कुछ अब नॉर्मल गल है हो लिखी होनी चाहिए है, जो स्टैंडर्ड है जो हर जगह चलता वा वो तो इसे तरीके है, एंड डेफिनेटली बिलीव करो, ठीक है। जे तुसी ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन उत्ते नहीं लगाई तो यह ना सोचो कि मैं नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एक सवाल के उत्ते देखो 100-100 जड़िया ऑब्जेक्शन लग जाए ने, ठीक है। बहुत बच्चों ने जो है इन्हों जो है पेपरों के ऑब्जेक्शन लगाइया ने, सो वो फिक्र ना करो, ठीक है। सो कई इंस्टीट्यूट जोड़े है वो अपने बिहाफ के उत्ते जोड़े है ये ऑब्जेक्शन लगा देंगे जो क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। सो बिल्कुल फिक्र ना करो, जे कोई भी जरा है वा आंसर की रिवाइज होती है वह फायदा तो मिलना ही मिलना वा, सारे बच्चों को मिलना वा जिन्होंने वो सही आंसर लगाया होएगा, ठीक है। या जे कोई पेपर जे कोई क्वेश्चन ही कैंसल होता वा तो वह ग्रेस मार्क हरेक बच्चे को मिलने ही है, राइट है, ठीक है। सो यही चीज बिल्कुल डन है, 100% श्योर हाँ मैं इस चीज की गारंटी लेना वा, बिल्कुल भी घबराओ ना, ठीक है। वीडियो में जरा है वा लाइक शेयर कर दियो, कॉमेंट कर दियो, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर हर हाल, जब तक जुड़े रहो पीबीएस क्लासेस के नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।